अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीप चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको पता है, लास्ट टाइम हमने एक तकरीबन 8 से 10 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए लेकर आए थे। बिल्कुल इसी तरह छोटे प्रोजेक्ट भी आपके लिए लेकर आते रहते हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 53,000 के अंदर जो पैकेज आपको दिया गया था, वो पैकेज आपको इस जगह पर लगा के दिखाएँगे और ये भी बताएँगे कि अगर आप लोग इस सिस्टम को ख़ुद लगाना चाहते हैं, यानी कि मेरी बैक साइड भी आपको नज़र आ रहा है, दो सोलर पैनल हैं, इसको ख़ुद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर आप आपको दिखाएंगे कि आप लोग अगर ख़ुद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह कर सकते हैं। एक एक चीज़ जो से आपको डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँ इस पैकेज के अंदर हम आपको क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, केटी पावर का डबल ग्लास बाईफिशियल जो सा सोलर पैनल है 150 वाट के अंदर, ये दो सोलर पैनल लगाए गए हैं, ये बैक साइड है और यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ में अगर कैमरा मैन दिखा जाए, दो जो है 12 वोल्ट के LED बल्ब जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे। बिल्कुल इसी से साथ जो है एक अदद कंट्रोलर 20 एम्पेयर का वो लगाया जाएगा, साथ एक जो है AC DC फैन लगाया जाएगा। इस AC DC फैन का फायदा आपको यह होगा कि आप लोग जो है सारा दिन जो है 12 वोल्ट के ऊपर जो है ये सिस्टम चलाते रहेंगे, रात के टाइम जो है आप इसको 220 के ऊपर भी करके चला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथ एक छोटी बैटरी लगाई जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको अभी साथ साथ इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं, ऊपर चलते हैं छत पर और छत पर इंस्टॉल करते हैं साथ साथ और आपको भी सिखाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, सबसे पहले आप लोगों ने सोलर पैनल को लटा लेना है और दोनों फ्रेम जो से स्टैंड है आपके इसके ऊपर लगा लेने हैं, उसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके ऊपर जो से सुराख हुए होते हैं उसी हिसाब से। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि आप लोगों ने सबसे पहले लगाना है अपने नट को, सॉरी आप लोगों ने सबसे पहले लगाना है बोल्ट को, उसके ऊपर लगानी है वाशर। छोटा प्रोजेक्ट है या बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने वाशर लाजमी लगानी है, उसके ऊपर आपने लगाना है नट। इस वाशर का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के ऊपर जो नट और बोल्ट के ऊपर जो कसाई आएगी वो फुल आएगी, जिसकी वजह से आपको पता है ये हादसा होता है कि कभी सोलर पैनल उड़ जाता है आंधी की वजह से, ये हादसा नहीं होगा। तो कसाई अच्छी तरह आप लोगों को करनी चाहिए। इसी तरह आप लोगों ने सारे नट बोल्ट जो उनसे टाइट कर लेने हैं। तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं ये वाशर और नट बोल्ट ये लगाए गए हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिएगा, ये अभी हमने इसको फुल टाइट करना है, तो इसकी देखते हुए इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये जो हमने इसके अंदर से थोड़ा सा वाया छोड़ा हुआ है, ये इसी वजह से छोड़ा है कि हवा की क्रॉसिंग रहे ताकि कोई भी हादसा ना हो। तो आप अपनी मर्ज़ी से ये देखिएगा, अगर इसके अंदर ये निशान है तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये आपको पता है ये कंट्रोलर लगाया जाएगा, तो कंट्रोलर लगाना है इसके अंदर, सादा कंट्रोलर PWM चार्ज कंट्रोलर लगाना है। तो इसी वजह से इस सिस्टम को, इस सोलर पैनल को इस तरह लगाया गया है कि दोनों के पॉजिटिव एक साइड पे किए गए हैं, दोनों के पॉजिटिव एक साइड पे कर दिए गए हैं, और बिल्कुल इसी तरह अगर देखें नेगेटिव तो नेगेटिव भी एक साइड पे कर दिए गए हैं, क्योंकि हमने इसको करना है पैरेलल में करने के बाद इसको PWM चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाया जाएगा। जी आप देख सकते हैं इसके जो नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों स्टैंड लगा दिए गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आपने कसाई जो सी है पूरी करनी होती है। अब हम इसको खड़ा करेंगे, खड़ा करने के बाद जो है इसको फुल कसाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता जाऊँ कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है हमने अलग अलग कर दिए गए हैं, ये जो नेगेटिव है और इस नेगेटिव के साथ मिला देंगे, वो वाला पॉजिटिव उस पॉजिटिव के साथ मिला दिया जाएगा। इसकी वायर चाहे छोटी थोड़ी छोटी हो जाए, लेकिन हम इसके अंदर जो है जैसे लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। पैनल को स्टैंड पे खड़ा करके रावल बोल्ट कसने की वीडियो जो सी है डिलीट हो गई थी, इसके कनेक्शन सारे उसी वीडियो के अंदर थे। तो इसी वजह से अभी हम चलेंगे नीचे और नीचे चल के देखते हैं कि कंट्रोलर पे इसकी क्या आउटपुट मिल रही है, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें चलाई जा रही हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम देखेंगे कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आने वाले दिनों के अंदर हम एक मज़ीद अच्छी वीडियो और मुकम्मल डिटेल से इंस्टॉलेशन की वीडियो लेकर आएंगे। जी अभी हम आ गए नीचे, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पर PWM चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है, 20 एम्पीयर का ये चार्ज कंट्रोलर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर से चार्जिंग भी शो हो रही है, बैटरी इस टाइम फुल है।
तो ये एक इसके साथ बोर्ड लगाया गया है जो कि दो अदद इसके साथ एलईडी बल्ब लगाए गए हैं और साथ एक अदद पंखा चलाया गया है। ये 12 वोल्ट और 220 का पंखा यानी कि ये एसी डीसी फैन है, ये भी इसी पैकेज के अंदर दिया गया है। साथ एक अदद बैटरी दी गई है जो कि ये देखिएगा 65 वाली बैटरी है। इस पैकेज के अंदर जो हम देते हैं 50 वाली बैटरी होती है जो कि 5 प्लेट वाली है, और यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 11 प्लेट वाली बैटरी इस सिस्टम के साथ लगाई गई है। तो बकाया जो ऊपर सिस्टम आपको दिखाया गया था सारा, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।